के क्लास लेकर उनको सब ट्रेनिंग देकर हर एक कैंप में 50,000 20,000 25,000 1,00,000 तक लोगों को जमा जमा करके मोदी का गुणगान गाए। लेकिन आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग इनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर है, बड़े लोग बाहर है, सारे लोग। अंदर कौन है? सिर्फ वो अकेले है। तो ये जो है मोदी, ये चाहते हैं कि वो अकेली हुकूमत भी करे, वो अकेली पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। और आगे ये निशानी कैसी है तो मैं ये करूंगा कहूंगा ये तो हिटलर की निशानी है। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो फिर दूसरों से क्यों वोट मांगते हो, दूसरों को क्यों डराते हो? तो भाइयों, ये मोदी जी जो कर रहे हैं और उनके चेले जो कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और संविधान के लिए ठीक नहीं। नेहरू जी आसाम नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए उन्होंने यहाँ पर राज्य का स्टेटस दिया, चाहे वो नागालैंड हो। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने छोटे छोटे रोज राज्य बनाए, वो सब कांग्रेस के जमाने में बने। क्या मोदी जी और हेमंत के जमाने में बने? हा नहीं। तो ये सब बना के हम दिए। और वो बोलते हैं कि बीजेपी बहुत काम करी। अरे भैया, हम जुमा जुमा आप 3 साल हो गए क्या? 3-4 साल हो गए और हमारे पास से निकल के वहां सीधा गए और चीफ मिनिस्टर बनते ही कांग्रेस को गालियां देने शुरू कर। अरे जहां पैदा हो गए हो, जिस माँ की दूध पिए है कांग्रेस की, उस माँ को आप ठुकरा देते हो, गालियां देते हो? हम डरने वाले नहीं है। तो इसलिए उनको ये कहना चाहिए, ज्यादा अगर बात करे तो लोग उनको जहां भेजना है वहीं भेजेंगे, वो फिर रास्ते पे आएंगे। आज क्या हुआ कि हेमंत जी के ऊपर इतने केस है, सब परसों तो उनके भ्रष्टाचार के बारे में राहुल गांधी जी बताए और मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लंबी लिस्ट है। अगर ये बताते जाऊंगा तो भाषण इसी में चले जाएगा। तो इसीलिए इतने चार्जेस उनके ऊपर, बहुत से केसेस उनके ऊपर, ये रहते हुए भी उन्होंने, मोदी जी ने, शाह ने अपने तरफ लिया और जितने एलिगेशन उनके ऊपर थे वो सब बंद हो गए। अरे जो आदमी करप्ट था, आप बोलते थे उसके खिलाफ भाषण करते थे, लेकिन उसी को आप जब गोद में उठा लिए वो क्लीन हो गया। वॉशिंग मशीन में डाले, जिसको कलंक था वो कलंकित था, उस कलंकित आदमी को वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसको क्लीन हो गया, उनके पास जाके अच्छा हो गया। अब जब तक हमारे पास था उसको गालियां देते रहे। तो ये है बीजेपी की नीति और ये है हेमंत की नीति। इसीलिए आपको होशियार रहना चाहिए। आप लोग इतनी आज ये चली है हवा कि हर जगह भगवान के नाम पे लूट रहे हैं। राम नाम जपना पराय माल अपना, यह है। क्या देश में कोई आज तक राम भक्त नहीं थे? क्या कोई देवल नहीं बंधे? मैं खुद ही बहुत बड़ा एक बुद्ध का मंदिर बना,
क्यों? अगर आप ही बोलते हैं बुद्ध भी क्या है, विष्णु का नौवा अवतार। अरे भाई इतने अवतार है, उसमें से सभी अवतारों को आप करो, राम जी का भी करो। हमारे लोग तो राम भक्त है हमारे पास भी, क्योंकि आस्था है, हर एक की आस्था अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई बुद्ध हो सकता है, कोई इस्लाम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, तो कोई हिंदू हो सकता है। तो ये तो हमारे देश में विविधता में एकता है, हमारे देश विविधता में एकता है, लेकिन एकता को तोड़ने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। हम एक बनाते हैं, हम पूर बनाते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अगर किसी ने पहला पुल बनाया, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और बड़ी पुल जो बन गई, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी कांग्रेस ने बनाई। इतने पुल बनाए और ये सब लिंक आसाम से हो गए। लेकिन अब सिर्फ लोग लूटने के लिए अपने काम कर रहे हैं। कंपनी भी उनकी, स्टील भी उनका, सीमेंट कहाँ से है मुझे मालूम नहीं, सैंड भी उनका, सब करके वो लोग आज ये काम कर रहे हैं। भाइयों, आज जो हमारी यात्रा है मणिपुर से शुरू हो गई है, इम्फाल से शुरू हो गई, ये यात्रा नहीं, मैं कहूंगा एक तपस्या है, ये यात्रा नहीं तपस्या है। इतना मुझे बताओ, कौन नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, कौन नेता आज मणिपुर से मुंबई तक जा रहा है? कोई नहीं। कोई समंदर में डुबकी लेता है, कोई तालाब में डूबता है फिर उठता है, ऐसे लोगों को ही आप देखे हैं। अंदर अच्छी बनीन रहती है, ऊपर शर्ट पतला रहे तो भी ठंडी नहीं लगना। मैं देख रहा था, डुबकी एक बार मारे उठे, अरे इससे क्या भाई, देश की हालत देखो, एम्प्लॉयमेंट देखो, इन्फ्लेशन देखो, किसानों की हालत क्या है देखो, गरीबों की हालत क्या है देखो, दलितों की हालत क्या है देखो, ट्राइबल की हालत क्या है देखो, छोटे मोटे व्यापारियों की हालत क्या है वो देखो। वो सब छोड़ के कहीं ऐसा बढ़ते हैं, कहीं ऐसा बढ़ते हैं। अरे ये तो छोड़ो ना साधु संतों को, वो करते हैं अपना काम। हम जाके साधु संतों को नमन करेंगे, देवल में जाके नमन करेंगे, लेकिन आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप बीच में, आप कौन होते हो बीच में आने वाले? और मंदिर में आप अकेले रहेंगे, हम सब बाहर रहेंगे। हमारे को भी दावत आई थी, अब मैं हमको सब बाहर रख के तुम गर्भगुड़ी में, अगर मंदिर में अगर जाके अकेले आज सबके साथ अगर पूजा करते बैठे, तो क्या ये एक व्यक्ति सारे भगवान को कब्जा कर लिया, सारे को मॉन्टेगेज कर लिया है? अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जाता, कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक जाता है, आसाम से लेकर बंबई तक जाता है, गुजरात तक जाता है, सोमनाथ तक। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो इसलिए एक शायरी मैं आपको सुनाऊंगा, आप गौर से सुनिए। राहुल जी का ये यात्रा और तपस्या कैसा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलने की जिनको आदत होती है, वही दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। और राहुल जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है, और बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की अलग है। इसीलिए
अगर हमारे विचारधारा को लेकर लड़ना चाहते हैं और बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी को अगर खत्म करना चाहते हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप हमारे साथ आओ, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा देश है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं न कहते हुए चंद बातें और कहूँगा। एक, जो देश में हजारों करोड़ों वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now